और ये विपक्षी 24 में डांस करेंगे, ऐसे ऐसे डांस करेंगे, तिल मिलाएंगे, तिल मिलाएंगे, सारे विपक्षी तिल मिलाएंगे। और इटली का बंदा वो चाहता है कि सबको चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो, इनको चुम्मा दो, उनको चुम्मा दो, सबको चुम्मा ही दे दो। कि मैं मणिपुर के ऊपर उनकी महिलाओं के ऊपर बोलकर आता हूँ, और मैं खुद किसी महिलाओं और वो आम महिला नहीं, सांसदों को फ्लाइंग किस कर रहे हो, ये सिर्फ नौटंकी करने आते हैं, अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश हो रही है बस। देश में नफरत का कैरोसिन अगर किसी ने छिटका है तो कांग्रेस पार्टी ने। मैं कहता हूं जूते मारने चाहिए, ये कभी मिले ना हमें जो इनकी पैरवी करते हैं, जूते मारूं भारत माता की हत्या होगी। मणिपुर को जलाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी जी अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत हो तो उनसे पूछो जिनको आवास योजना 3.5 करोड़ लोग जिनको आवास योजना मिली है, उनसे पूछो मोदी जी रावण है या राम है। 11 करोड़ टॉयलेट दिए हैं, उन महिलाओं से पूछो कि वो रावण है या राम है। संसद में मानसून सत्र चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आज फ्लाइंग किस को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वो चाहते हैं, वो इटली का बंदा वो चाहता है कि सबको चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो, इनको चुम्मा दो, उनको चुम्मा दो, सबको चुम्मा ही दे दो। आप बताइए, देखो शेर, शेर हमेशा अकेला आता है और झुंड में आपको पता है भैंसे आती है, ये मोटे मोटे भैंसे, ये मोटे मोटे भैंसे, एक बार गर्दन पकड़ लिया ना तो छुड़ाना मुश्किल हो जाया था। एक अकेला, एक अकेला संसद में सब पे भारी पड़ रहे हो मोदी जी और योगी जी, मोदी जी एक अकेला संसद पे भारी पड़ रहे हैं, इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं और तड़प रहे हैं कि ऐसा ना हो मेरा 24 में बाजा बज जाए। और बाजा इनका विपक्षियों का बजेगा, मोदी जी आएंगे, उसके बाद भगवाधारी आएगा। लेकिन वो तो कहते हैं वो किसी की सुनते ही नहीं, अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। अच्छा, इन्हीं की सुनते हैं। अरे ये बोलने वाले कंफ्यूज हो रखे हैं। वो जब शेर जब हमला करता है ना तो गरज के नहीं करता है, उसको मालूम है, उसको मालूम है कि हमारे विपक्ष खड़े हुए हैं, मैं इन्हें सीधा करूंगा। और ये क्या, जब हल्ला मचाते रहो तभी मोदी और योगी जाके हल्ला मचाए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। उनको जो करना होता है वो करके दिखाते हैं वो, ठीक है ना, और करके कर रहे हैं और करेंगे भी आगे, देख लेना। और ये विपक्षी 24 में डांस करेंगे, ऐसे ऐसे डांस करेंगे, तिल मिलाएंगे, तिल मिलाएंगे, सारे विपक्षी तिल मिलाएंगे, ऐसा काम होगा इनका। और इसके बाद अभी तो इनसे मोदी जी से परेशान है। अरे जिस दिन भगवाधारी योगी आदित्यनाथ आ गए ना, तुम पता नहीं कहाँ चले जाओगे, फिर क्या होगा, फिर तो सब गेरुआ ही गेरुआ होगा। सर जिस तरीके से आज फ्लाइंग किस का मुद्दा पूरा ट्रेंड पे है, क्या कहना है, जिस तरीके से लोकतंत्र का मंदिर जिसे संसद कहते हैं उसके अंदर ये सब देखो। एक कहावत है कि कुत्ते की दूम कभी सीधी नहीं हो सकती, तो राहुल गांधी ने आज ये प्रूव कर दिया कि कुछ लोग भी हैं वो कभी सीधे नहीं हो सकते। आपने भाषण दिया, आप भाषण में इतने उत्तेजित हो गए कि आपको ये पता नहीं लग रहा कि मैं मणिपुर के ऊपर उनकी महिलाओं के ऊपर बोलकर आता हूं, और मैं खुद किसी महिलाओं और वो आम महिला नहीं, सांसदों को फ्लाइंग किस कर रहे हो, क्या सोचकर। मैं, आप युवा हैं, मैं आपको बोलता हूं यहां महिला जाएगी आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये अभद्रता जो है ना, ये उनका दिमाग को दर्शाता है कि आज वो दिल से बोल रहे थे, आज उन्होंने दिमाग की अपनी कि उसके दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है ना, ये आज उन्होंने साबित कर दिया कि महिला सम्मान, महिला का सम्मान क्या है उनकी नजर में, ये आज उन्होंने साबित कर दिया। मणिपुर पे ऊपर जो टिप्पणी है ना इनकी, या जो ये इतनी देर से मणिपुर मणिपुर कर रहे हैं ना, आज इन्होंने उसको अब खुद को ये हरकत करके बेनकाब कर दिया कि उससे कोई लेना, सिर्फ मुद्दा बनाना है, सिर्फ राजनीति करनी है, ये आज साबित हो गया इसकी वजह से। मुझे एक चीज, अगर आप सच में अगर सीरियस हो, महिला सम्मान से सीरियस हो, राजस्थान में एक बच्ची के बलात्कार के बाद, गैंग रेप के बाद उसके टुकड़े कर कोयलों के ऊपर उसकी लाशें जलाई, छोटे छोटे पीस दिख रहे उसके, पता आपको, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। राजस्थान के ऊपर क्राइम की बात करेंगे, नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के क्राइम के ऊपर बात करेंगे, नहीं करेंगे। आप पश्चिम बंगाल के ऊपर उसकी क्राइम के ऊपर बात करेंगे, महिला के ऊपर बात करेंगे, नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करनी। तो ये क्या दर्शाता है आपके, आपके दर्शक भी देखते हैं, समझदार हैं, दिमाग हैं, मेरा भी है, हम तो ये भांप गए हैं, ये सिर्फ नौटंकी करने आते हैं, अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश हो रही है बस।
सिर्फ अपना अस्तित्व बचाना है, अपना राजनीतिक रोटी सेकनी है, मुद्दा तो है नहीं, किस आधार पर लड़ेंगे? बस यही झूठ झूठ बोलना है। अडानी, दूसरी सबसे बड़ी बात, इस इन्होंने कैरोसिन छिटकने की बात की ना, देश में नफरत का कैरोसिन अगर किसी ने छिटका है तो कांग्रेस पार्टी ने। इन लोगों ने हमारे देश के रिप्यूटेड जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको विलियन पोर्ट्रेट कर दिया है। आम आदमी आज अडानी के एग्जाम्पल दे देकर कोस रहा है, मतलब एक जो रोजगार देगा, जो इंडस्ट्री सेटअप करेगा, जो कंपटीशन कर रहा है आज अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ अपनी जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, कई ऐसे फॉरेन में भी, और वो देश के लिए फायदेमंद है, मगर वो किसको चुभ रहा है? कांग्रेस पार्टी को चुभ रहा है। यही अंबानी, यही अडानी, इनके साथ भी बैठा करते थे, सोनिया गांधी के साथ, मनमोहन सिंह के साथ, इससे पहले कहूँ तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ धीरू भाई अंबानी की, उन्होंने तो कभी ये पोर्ट्रेट नहीं किया। ये नफरत किस लिए है? क्योंकि वो कोई पॉलिटिकली फंडिंग करते हैं इनको चुनाव के लिए, टाइम तो चुनाव के लिए पैसा तो कांग्रेस को भी मिलता था, इन्हीं इंडस्ट्रीज से मिलता, टाटा से मिलता था, कहीं ऐसे और कंपनी उनसे मिलता था। आज ये पोर्ट्रेट करने का जो नया आया ना, अपने आप अपने देश को कमजोर करने की बात करते हैं। सुनिए एक चीज, चाइना की बात आएगी, हमेशा भारत और चाइना की जब भी बात आई, इन्होंने पक्ष किसका लिया? चाइना का पक्ष लिया, बात की। आज उससे भी बड़ा आपत्तिजनक एक शब्द यूज किया, भारत माता की हत्या। मैं कहता हूं जूते मारने चाहिए, ये कभी मिले ना हमें जो इनकी पैरवी करते हैं, जूते मारूं, भारत माता की हत्या होगी, कौन करेगा हमारे होते हुए, कौन करेगा यहाँ पे? किसी में हक हिम्मत है? आप गांधी ने कहा मणिपुर में हुई, मणिपुर में जो हिंसा हुई है, तो मुझे एक चीज बताइए, तो 84 का दंगा क्या था? जिम्मेदारी कौन लेगा फिर उसकी? वो भी हत्या नहीं थी? फिर उसपे किसी ने माफी नहीं मांगी? किसी ने नहीं। वो मनमोहन सिंह आए, उनको बलि का बकरा बना दिया आगे जाकर। अभी तक सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, उनको ऐसे फूलों की तरह रखती है पार्टी अपनी तरफ, जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था, आज भी पार्टी के बड़े बड़े औहदों पर उनको बुलाया जाता है, बड़े बड़े कार्यक्रम में बुलाया जाता है। ये मानसिकता है इनकी, और ये नाटक करेंगे हमारे सामने? मणिपुर को जलाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये इतिहास भूल जाते हैं, ये सोचते हैं आम जनता को पता नहीं है इसका इतिहास। आज वहां पे कुकई और मेहते के बीच में डिफरेंस पैदा किया है अगर किसी ने, तो वो कांग्रेस पार्टी की नीतियां रही वहां पे। और आज से नहीं, आजादी से जैसे आजाद हुआ था, वहां मेहते को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए था, अंग्रेजों तक ने रेकमेंडेशन की थी वहां पे, मगर किसकी वजह से? नेहरू की वजह से। वहां पे नागा साधुस की वहां एंट्री बंद कर दी, वहां बंद की, किसने की थी वहां पे? कांग्रेस सरकार इन्होंने की। वहां पे डेमोग्राफिक चेंज करने का कोशिश की गई, वहां से घुसपैठिए बसाकर, कुकी समाज के वहां पे म्यांमार से वहां से बसाकर, उनके आधार कार्ड बना बनाकर आज लड़ाई किस चीज की है? जो हथियार आ रहा है वो कहां से आ रहा है? म्यांमार के रास्ते चाइना स्मगल कर रहा है और उनको हथियार दे रहा है। और ये क्या करेंगे? चाइना के ऊपर लफ्ज नहीं बोलेंगे। आज तो न्यूयॉर्क में भी आर्टिकल आ गया वहां पे कि वहां पे चाइना फंडिंग, हर तरह की फंडिंग करी है, पॉलिटिकली फंडिंग, मीडिया के लिए फंडिंग, सब कुछ, कि उनका नैरेटिव चल सके, मोदी जी को बदनाम करना है। कोविड के टाइम पर इन्होंने इसी तरह की कोशिशें की कि हमें मोदी गवर्नमेंट को उसकी वैक्सीन, हमारी स्वदेशी वैक्सीन को टारगेट करने का, ये फिजर की बात करते रहे। आज वहां उसका जितना बड़ा साइड इफेक्ट निकला है ना पूरे देश, पूरे विश्व में, आज कई जगह बैन हो गया वहां पे फाइजर की। तो ये पैरवी करते हैं, बात करेंगे देश की और पैरवी करेंगे विदेशों की, दुश्मनों की, नहीं चलेगा। लेकिन आज तो राहुल गांधी संसद में पूरे फुल फॉर्म में थे। फुल फॉर्म में क्या, मोदी जी को रावण से तुलना कर दो। आपने मोदी जी को रावण कहा ना, राहुल गांधी जी अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत हो तो उनसे पूछो जिनको आवास योजना, 3.5 करोड़ लोग जिनको आवास योजना मिली है, उनसे पूछो मोदी जी रावण है या राम है। 11 करोड़ टॉयलेट दिए हैं, उन महिलाओं से पूछो कि वो रावण है या राम है।